जूनियर 30 प्ले स्कूल आरा एक विशिष्ट स्कूल है जहां 17 मार्च को सत्र की समाप्ति एवं ओलंपियाड में बेजोड़ प्रदर्शन के उपलक्ष्य में रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया जो अत्यंत ही सराहनीय एवं मनमोहक था। श्रोतागण कार्यक्रम की प्रस्तुति देख दंग रह गए। सभी ने जमकर प्रशंसा की। बच्चों के साथ माता एवं बहनों ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया जिसने कार्यक्रम को अविस्मरणीय बना दिया। कार्यक्रम नाट्य संगीत भाषण एवं स्टिक्स का मनोहर मिश्रण था। दर्शकों ने बच्चों का तालियों की गड़गड़ाहट से उत्साहवर्धन किया। माता पिता अपने बच्चों के प्रदर्शन से झूम उठे। बच्चों को अगले वर्ग में प्रोन्नत किया गया और प्रमाण पत्र वितरण किया गया। उसके बाद बच्चों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ट्रॉफी एवं मेडल प्रदान किया गया। सृजा कश्यप को स्टूडेंट ऑफ द ईयर, अवनी मिश्रा को ऑलराउंडर एवं स्टडी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मानस एवं कृषि को ट्रॉफी दी गई। रोशनी को संतावना पुरस्कार दिया गया। रॉकी, देवांश, भव्या, शिव्या, प्रांस, प्रियल और अनिकेत को अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। रुद्र और देवांश को अनुशासन के लिए मेडल दिया गया। मानस को 100% उपस्थिति के लिए पुरस्कृत किया गया। जूनियर 30 के बच्चों ने पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया है। पूरी दुनिया में ओलंपियाड में अवनी मिश्रा की अंग्रेजी में 129, साइंस में 193 और मैथ में 259, अनुकूल के साइबर में 203, जीके में 344, शिवांश की मैथ में 913, रियांश की फोनिक्स में 454, वासु की अंग्रेजी में 870, मैथ में 1433, साइंस में 1218, मानस की अंग्रेजी में 881, हिंदी में 217, मैथ में 463, सृजा की इंग्लिश में 468, मैथ में 1484 रैंक रही। इस प्रकार ओलंपियाड में यहाँ के बच्चों का प्रदर्शन बेमिसाल रहा। बेसिकली इसीलिए कराया गया कि बच्चों को वो फील आए कि वो ग्रेजुएट हो रहे हैं। तीनों का है, पेरेंट्स, टीचर, बच्चे, तीनों के लिए जिन्होंने किया है मेहनत, उन सब के लिए है ट्रॉफी। जी मैडम, आप बताइए कि बच्चों में काफी देखा जा रहा है उत्साह है, क्या इस क्या उद्देश्य है इस तरह के कार्यक्रम का? मैं ये बोलना चाहूंगी कि सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को सारी चीजों के लिए, अदर एक्टिविटीज के लिए जरूर मोटिवेट करना चाहिए। अगर वो मोटिवेट करते रहेंगे तभी बच्चों के अंदर वो इंटरेस्ट आएगा एंड देन ऑनली इट इज पॉसिबल कि बच्चा यहाँ आएगा, परफॉर्म करेगा। 2 साल मेहनत लगेगी, 10 डेज मेहनत या 5 डेज मेहनत पे ये नहीं हो सकता है। पूरी 2 साल की मेहनत लगी है तब बच्चे अच्छा कर रहे हैं। तो ये सारा क्रेडिट मैं उन मम्मियों को देना चाहूंगी। सॉरी, जूनियर 30 स्कूल में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगी जिन बच्चों ने अपनी एडमिशन नहीं कराई है वो जरूर कराएं, बिकॉज हम अपने बच्चों को बहुत ही प्रेम से रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों की नॉलेज जरूरी होती है, तो नॉलेज है तो सारी चीजें हैं। आप जरूर यहाँ पे आइए और हमसे मिलिए। आज बेसिकली ग्रेजुएशन नाइट है जहाँ पे बच्चों ने बहुत ही अच्छा किया है, तो उसी चीज के लिए हम उन्हें अवार्ड देंगे, मेडल्स देंगे। आज वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है स्कूल में, बच्चों के लिए कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिकॉज आप लोग आए एंड मेरे रिक्वेस्ट पे आए। एंड जो फंक्शन है आज ग्रेजुएशन नाइट बच्चों का, ये हमारा तीसरा साल है, बच्चों का तीसरा साल है ये। एंड काफ़ी बच्चे ने बहुत ही इम्प्रूव किया है, तो बहुत ही अच्छा है ये। कितना फायदा होता है इस तरीके के कार्यक्रम करने से, क्योंकि बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया, पुरस्कार वितरण का भी कार्यक्रम है। बहुत ही ज्यादा फायदा हमें वो दिख रहा है, बिकॉज हमने लास्ट ईयर भी किया था, 2 साल से करते आ रहे हैं, तो हमें हर साल कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रही है और हम चाहते हैं कि आगे भी हम इसी वो ये तरह का करें। सो आगे भी होगा इसी वो ये तरह का। श्रीजा कश्यप। व्हाट्स योर फादर्स नेम? मनोज कुमार। श्री मनोज कुमार,
Who is the Chief Minister of Bihar? Nitish Kumar. Shri Nitish Kumar. Who is the Prime Minister of India? Draupadi. Prime Minister of India? Narendra Modi. Who is the President of India? Draupadi Murmu. Very good. Chalo. Next. क्या नाम है? पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम है अमनी मिश्रा। क्या बताओगे? पोएम वगैरह आता है तुम्हें? मैं बोलूँ। पोएम पोएम रैम। हाँ रैम 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 बोलो। जो आता हो। इंडिया। राजनाथ सिंह। वेरी गुड। हुई तो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। श्री अमित शाह। वेरी गुड। 29 5 जा 145। वेरी गुड। 14 5 जा 70। वेरी गुड। 12 9 जा 108। और कुछ है? 30 तक का टेबल बताएगा ये केजी का बच्चा। स्कूल का आज वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, इसके बारे में बताइए सर। ये जूनियर 30 स्कूल प्ले स्कूल है हमारा, और हमारा ये प्ले स्कूल आप शाहबाद में अनूठा है। केवल भोजपुर जिले में मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं शाहबाद में ऐसा प्ले स्कूल आप देख खोजेंगे तो ऐसा प्ले स्कूल नहीं दिखेगा, है ना। और ये स्कूल हमारा हर मामले में और स्कूल से अलग है। एक तो इतना हम लोग लव अफेक्शन बच्चों को देते हैं कि बच्चे, कोई भी बच्चे अगर 2 दिन 4 दिन हमारे स्कूल आ गया तो उसके बाद से वो रोएगा कि हम स्कूल जाएंगे ही जाएंगे, ये कहीं नहीं मिलेगा। इतना लव अफेक्शन, इतना केयर हम लोग करते हैं, जहाँ दूसरे जगह केयर करना इतना संभव नहीं है, इतना हम लोग बच्चों को केयर करते हैं। और हमारे बच्चे आप देखेंगे कि अगर LKG का बच्चा है नर्सरी का, तो जिसका जो GK का स्टैंडर्ड है, आप किसी दूसरे स्कूल में आप जाएंगे तो आप मिडिल स्कूल के बच्चे को वो ज्ञान नहीं। मैं अभी बुला करके एक दो बच्चे से अभी आपको अभी करवा दूंगा। अभी वो ये बच्चे हम इतना जानते हैं। हमारे यहाँ जो KG में बच्चे हैं 30 तक का टेबल आप पूछ सकते हैं। आप किसी भी स्कूल के आराम है, आप 30 तक का टेबल, आप लोग और जगह जाते होंगे, आप पूछिएगा कि 30 तक का टेबल कौन बच्चा बताता है। हम इवन हाई स्कूल के बच्चे को बोलते हैं, मैं अभी आपके सामने मैं बुलाऊंगा कि 30 तक का आप जंपिंग में टेबल आप पूछ सकते हैं। GK नर्सरी के बच्चे को जो GK पता है, आप देखिएगा कि वो दूसरे जगह पता नहीं। और हमारा एक यूनिक है कि हमारा जो क्यूरिकुलम है ना, और सारा क्यूरिकुलम टाटा का है, लेकिन संस्कृत हम अपने मन से इसमें ऐड किया है कि जो संस्कृत, इसमें बच्चे को संस्कृत जरूर पढ़ना है। पुरस्कार का भी आज बच्चे पुरस्कृत होने वाले हैं। और दूसरी बात है ओलंपियाड में, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पूरे दुनिया में यहाँ के बच्चे नाम रोशन किए हैं, इतना अच्छा रैंक लाए हैं। इसका कारण है कि ये जो है ना, जो हमारे यहाँ टीचर का क्वालिटी है ना, उसमें दो डॉक्टर है लड़की लोग, एक MBA है, इंजीनियर है, ये क्वालिटी भी कहीं नहीं मिलेगी। टीचर की ये क्वालिटी कहीं नहीं मिलेगी। हमारा कमी बस दो है, कमी भी बताते हैं। कमी है कि कैंपस नहीं है, छोटा जगह है, जगह नहीं है, ये हमारा माइनस पॉइंट है। शिक्षा बेहतर है। शिक्षा के बारे में हमारा चैलेंज है कि आपका अभी आप उसको प्रमाण दे देंगे, अभी आप समझ जाएंगे कि देखिए कहाँ संभव, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको। दूसरी कमी है कि बच्चे कम है हमारे यहाँ, और भविष्य में भी बहुत ज्यादा बच्चे नहीं करना है। ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में बहुत ज्यादा, वो कोई मोटिव नहीं है कि बहुत ज्यादा बच्चे को नहीं भरना है, कि इतने ज्यादा बच्चे भर लें कि फिर उसको ध्यान ही नहीं दे पाए। सर, आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज हुआ क्या कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम दो मुख्य उद्देश्य है। एक तो एनुअल फंक्शन है, परीक्षा खत्म हुई है उसके बाद एनुअल फंक्शन है, तो एनुअल वो है। और दूसरा ओलंपियाड में बच्चे अच्छा किए हैं, उस उपलक्ष्य में ये फंक्शन मनाया जाए। कौन सा वार्षिक उत्सव सर विद्यालय मनाया गया है? कौन सा वार्षिक उत्सव?